7 साल बाद निर्भया को न्याय मिल ही गया। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे के तय वक्त पर चारों दोषियों को फांसी हो गई। फांसी से पहले का आधा घंटा काफी महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोषियों ने खुद को बचाने की काफी कोशिशें भी की। वे रोए, फांसी घर में लेट तक गए, लेकिन आखिरकार वह न्याय हुआ जिसका देश लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। जेल के अधिकारियों के मुताबिक चारों कातिलों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया। इसके लिए जेल नंबर 3 की फांसी कोठी में फांसी के 2 तख्तों पर चारों को लटकाने के लिए 4 हैंगर बनाए गए थे। इनमें से एक का लीवर मेरठ से आए जल्लाद पवन ने खींचा और दूसरे का लीवर जेल स्टाफ ने चारों को फांसी देने के लिए 60,000 रुपये का मेहनताना तय किया गया था। वह पूरा जल्लाद को ही मिलेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 3:15 पर चारों को इनके सेल से उठा लिया गया। हालांकि चारों में से कोई भी सोया नहीं था। इसके बाद सुबह की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इनसे नहाने को कहा गया। इसके बाद इनके लिए चाय मंगाई, लेकिन किसी ने चाय नहीं पी। फिर आखिरी इच्छा पूछी गई। फिर सेल के बाहर लाने से पहले इन चारों को काला कुर्ता पजामा पहनाया गया। चारों के हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए। इस दौरान 2 दोषी हाथ बनवाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। आपको बता दें कि फांसी से पहले दोषियों को नहाने और कपड़े बदलने के लिए कहा गया था। तब विनय ने कपड़े बदलने से इनकार कर दिया। वह फिर रोने लगा और माफी मांगने लगा। आपको बता दें कि फांसी के लिए जब दोषियों को लेकर जाया जा रहा था तो एक डर गया। वह फांसी घर में ही लेट गया और आगे जाने से मना करने लगा था। काफी कोशिशों के बाद उसे आगे लेकर जाया गया। फिर सेल से बाहर लाकर फांसी कोठी से ठीक पहले चारों के चेहरे काले कपड़े से ढक दिए गए। फांसी के तख्ते पर लटकाने से पहले इनके गले में रस्सी बांधी गई। वहीं इनके दोनों पैर भी बांध दिए गए थे ताकि फांसी देते वक्त इनके दोनों पैर अलग अलग ना हिले। इसके बाद पवन जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, वैसे ही जल्लाद ने लीवर खींच दिया। फिर करीब 6 बजे यानी आधे घंटे बाद चारों दोषियों को मृत घोषित करार कर दिया गया। आपको बता दें कि तिहाड़ में फांसी के दौरान जेल के बाहर लोग एकजुट थे। सभी फांसी का इंतजार कर रहे थे। फांसी के बाद तिहाड़ के बाहर जश्न का माहौल था। लोग मिठाई बांट रहे थे। वहां निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी। SPN9 न्यूज से पुष्पा की रिपोर्ट।